हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया कि नहीं? मैं क्या, ये एक बहुत क्वेश्चन आ रहे थे बहुत ज़्यादा, जो जिन्होंने आना है फ्रेशर्स ने या कुछ भी, कि भाई एक एक दो जनों के तो पेरेंट्स के भी टेक्स्ट आ रखे थे कमेंट कि भाई इन्फॉर्मेशन वीडियो कोई दे सकते तो दे दो, कमेंट सेक्शन में सारे अपना बता नहीं पाते कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है। तो मैं क्या एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, छोटी सी तो नहीं मतलब मोटा मोटा ऊपर का मेन सारे टॉपिक्स बता देता हूँ मैं, मैंने लिख लिए थे क्वेश्चंस वगैरह मेन मेन क्या रखे थे मेरे पास। प्लस ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था वो फॉर पर्सनल रीज़न, पर्सनल भी क्या है लास्ट में बता दूंगा क्या रीज़न था। मैं क्या चलो कोई नहीं, बट क्वेश्चन ज़्यादा थे, मैं क्या परेशान ना हो फ्रेशर फ्रूशर जो आ रहे हैं बता देता हूँ भाई। पहली सबसे चीज़ जो शुरू करते हैं हॉस्टल से लेके, मतलब जो हॉस्टल में आना चाह रहे हैं और हॉस्टल में क्या क्या सामान लेके आए सोच रहे हैं कि भाई क्या है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो हॉस्टल में सबसे पहले जो आएंगे, टॉकिंग अबाउट 4 सीटर रूम, तो इधर 4 स्टडी टेबल मिल जाएंगे, 4 बेड और 4 अलमारी मिल जाएंगी तुम्हें। प्लस क्या लेके आना है, अगर तुम्हें सामान तुम्हें लेके आना जो भी, यहाँ से शुरू करते हैं। मतलब लॉक, अगर तुम्हें लगता हो कि भाई हमारा ज़्यादा सामान है और ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते, लैपटॉप वगैरह हो गया या जो भी डिवाइसेस वगैरह है, तो एक अपना लॉक ले आओ बाहर डोर पे लगा लेना। और फिर आता है सेकंड चीज़, अब तुम्हारी पिल्लो, पिल्लो लेके आना तुम्हें, ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए जो तुम्हें चाहिए हो जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे, बेडशीट हो गई, फिर टावल हो गए ठीक है अपना नहाने के लिए मतलब उसके लिए। और मैं सजेस्ट करूँगा 2 टावल रखना, कि एक अपना यूज़ कर रहे हो जो ठीक है, दूसरा ताकि दूसरा जो गंदा होगा टावल वो लॉन्ड्री में चला जाएगा, हम मोस्टली यही करते हैं ठीक है। टावल हो गया और बकेट हो गई, अगर किसी को जैसे बकेट से नहाने की आदत है तो बकेट ले आना, बाकी बकेट कपड़े धोने में काम बहुत आ जाती है ठीक है। मग ले आना अपना, डब्बा कहते हैं जैसे, टॉयलेटरीज होगी, बाकी तुम्हारा अपना जो भी पर्सनल सामान हो गया, टूथपेस्ट ब्रश फेस वॉश साबुन वगैरह, जितना टॉयलेटरीज तुम्हें जो भी चाहिए वो ले आना। और उसके बाद क्या कहते हैं, आता है हेयर ड्रायर और स्पीकर की बात। हेयर ड्रायर और स्पीकर ऐसे अलाउड नहीं है, रखते ही ऑलमोस्ट सारे ऐसे अलाउड नहीं है, चेकिंग होती है तुम्हारा जब भी हॉस्टल आओगे, एक मेन गेट पे और एक हॉस्टल के गेट पे चेकिंग होगी सारा सामान की, तो उसमें थोड़ा छुपा छुपो के ले आना। और ड्रायर बड़ा ना लाना, स्पीकर भी अपना हिसाब से लाना, पकड़ा गया तो रख लेंगे, जब तुम घर जाओगे दोबारा तो तुम्हें दे देंगे वो लोग है ना। तो ये 2 चीज़ें हैं, ड्रायर स्पीकर या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ हो जैसे केटल हो गई इंडक्शन वगैरह हो गया, ये सब अलाउड नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ बेफालतू की अलाउड नहीं है। और रही बात इंडक्शन की, इंडक्शन हर फ्लोर पे लगा हुआ है, ऑलमोस्ट सब सही चलते हैं हमारे हॉस्टल में तो चल जाता है काम ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन, हाँ एक्सटेंशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, एक्सटेंशन अपने 2 लाना, हमने भी 3 जने हैं, 3 तो एक्सटेंशन रखे हुए हैं, तो हमें तो पड़ती रहती है 3-4 एक्सटेंशन पड़ती रहती है ज़रूरत। बॉटल्स, अपना पानी भर लिया वाटर कूलर से, ठंडा पानी भर लिया, हो सके तो थर्मो फ्लास्क जो भी कहते हैं उसको, ठंडा जो पानी रखता है ठंडा गर्म वो ले आना, एक बार भर के रख लिया तुम्हारा चल जाएगा। ऑल आउट जो मच्छर बहुत होते हैं उसके लिए, और रूम फ्रेशनर ले आना, घुटन हो जाती है कमरा बंद रहता है, रूम फ्रेशनर भी चल जाता है। मिरर, मिरर नहीं मिलेगा तुम्हें, गर्ल्स को क्या पता मिल जाए, बॉयज़ को नहीं मिलेगा, मिरर ले आना, हमने भी छोटा सा एक मिरर ला के रखा हुआ यहीं पर है। और दवाइयाँ ववाइयाँ, तबीयत ख़राब हो जाती है इन केस, ऐसे तो 24x7 डिस्पेंसरी है वो मिल जाती है वहाँ से, बट फॉर इन केस एमरजेंसी कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब है कुछ भी, दवाइयाँ ले आना। अपने इंडक्शन वाले यूटेंसिल्स ले आना, बर्तन वगैरह तुम्हें क्या चाहिए, प्लेट प्लेट चम्मच गिलास और पैन वगैरह जो उस पर बनाने का हो, क्या कहते हैं इंडक्शन पर बनाने का हो वो ले आना। और रोप ले आना एक, अब बाहर कपड़े सुखाए हैं पीछे बालकनी है उसमें रोप बांध दी वहाँ कपड़े सुखाने के लिए, क्लिप्स ले आना ठीक है, कपड़े सुखा दिए हवा चलती रहती है। लॉन्ड्री बैग ज़रूर लेके आना कि गंदे कपड़े होंगे तुम एक जगह साइड में रख दे, ऐसे फैले रहेंगे फिर अच्छा भी नहीं लगता, एक प्रॉपर लॉन्ड्री बैग लेके आ जाना। फुट मैट ले आना क्योंकि कई बार रहता है गिल्ला है, बाथरूम गिल्ला है, कॉरिडोर गिल्ला है, गंदी चप्पल या गिल्ली चप्पल लेके तुम रूम में घुसते हो, हमने टॉवल वगैरह रखे हुए पहले थे फुट मैट, तो फुट मैट ले आना। और हाँ एक दिक्कत, जैसे कई लोग जो साबुन से नहाते हैं मेरे जैसे लोग, साबुनदानी वगैरह ले आना है, अपने यही कहते हैं साबुनदानी वगैरह और जो भी, तो ताकि रखने की जगह तुम्हें रहे साबुन वगैरह का। और रही बात अलमीरा की, अलमीरा में कपड़े टांगने तो हैंगर्स ले आना,
जिसको अपना जैसे बर्तन वर्तन धोने के लिए वॉशिंग पाउडर वगैरह, सॉरी बर्तन वर्तन धोने के लिए विम वगैरह ले आना, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर, इजी रहेगा। साथ में लिख लेना क्या क्या बोला है। इसके अलावा तुम्हें पता है क्या लाना है क्या नहीं लाना है क्या, ठीक है। ये इतना मैंने आइडिया दे दिया। अब थोड़े से आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस बहुत आ रहे थे, बहुत लोगों ने कहा। तो सबसे पहली चीज़, हॉस्टल में एडमिशन कैसे होगा। देखो हमारा मेन गेट जब हमने आना था, हमारा मोस्टली उस टाइम कॉमर्स का सारा वास्को था कॉलेज, हॉस्टल, और हमें मिल भी वास्को ही रहा था, तो हम वास्को आए थे। और कुछ नहीं है हॉस्टल में एडमिशन लेना, हमारा जो हुआ था जो देखा है हमने वो बता रहा हूँ। उस हिसाब से आना है, इधर फॉर्म भरना है, फीस भरनी है। अब तुम्हारे ऊपर है कितना लगता है। 5 मिनट में तुमने रूम देख लिया, 5 मिनट में फॉर्म भर दिया, 2-1 मिनट लगते हैं फीस भरने में। और फीस सारी जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। चौक पैड होता है, चौक पैड के थ्रू फीस जाती है, उस पर चलता है। UPI कार्ड हो गए, UPI हो गए, ये सब चलता है। चेक वेक नहीं चलता, कैश नहीं चलता, पहली बता रहा हूँ, बिल्कुल भी 1 रुपया कैश नहीं चलेगा, 1 रुपया चेक नहीं चलेगा जो हॉस्टल आएगा। हाँ, और पूरी यूनिवर्सिटी में भी अगर तुम्हें पैसे वैसे खर्चने हैं तो सब ऑनलाइन होता है, A to Z, मतलब A to Z तो नहीं, 99% ऑनलाइन है। खाने पीने का कुछ चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, उसके लिए अलग से U-Food ऐप दे रखा है, वो उस पर अपना पेमेंट करके उसके थ्रू ऑर्डर दे दो, और फिर वहाँ काउंटर पे जाके रिसिप्ट निकलवा लो, फिर वो ऑर्डर मिल जाता है। वैसे हॉस्टल एडमिशन का ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है गेट पास की बात। गेट पास का क्या सीन है, 9 to 4 ये होता है ऑफिशियल आवर्स। इसके बीच में तुम अगर हॉस्टलर हो तो तुम या तो गेट पास तुम्हें चाहिए तो वो अपना चौक पैड पे अप्लाई कर दो, और उसकी परमिशन या तो मेंटर से लेके आओ या मेंटर से अप्रूव करा लो। ये ऑफिशियल आवर्स का टाइम है, बाकी मोस्टली ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अपना वार्डन से रिक्वेस्ट करो, या वार्डन सर हैं जो अपने कर देते हैं। 4 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक ऑफिस खुला होता है गेट पास के लिए शाम के लिए, और रात को एक बार 9 से 10, हमारा जो टाइमिंग है वो बता रहे हैं 9 से 10 खुला होता है। बाकी सुबह 9 बजे से पहले भी 8:30-8:30 बजे खुलता है। इस बीच में वार्डन सर से गेट पास करा लो। गेट पास का टाइम ये रहेगा। प्लस मान लो अगर तुम्हें डे आउट जाना है तो घर पर बात कराने की ज़रूरत नहीं होती, नाइट आउट जाना है तो घर पर बात कराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इन केस यू तुम हॉस्टल छोड़ोगे कि 24 घंटे से ज़्यादा तुम हॉस्टल में नहीं होगे कि अटेंडेंस के टाइम नहीं होगे, तो उसके लिए तुम्हें घर पर बात करवानी पड़ती है। गेट पास तो ये प्रूव होगा कि जब तुम घर पर अपना बात कराओगे, बाकी तो जुगाड़ लगाने वाले जुगाड़ समझ जाएंगे। तो मतलब घर पर बात करवानी पड़ती है, और तुम्हारा नंबर भी फीड होता है, फॉर्म भरोगे वहाँ पेरेंट्स के नंबर जाएंगे। तो जब भी तुम हॉस्टल यूनिवर्सिटी लीव करोगे या यूनिवर्सिटी आओगे, तो उसमें भी तुम्हारे पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा किस टाइम तुमने लीव करा है, किस टाइम तुम वापस एंटर कर रहे हो, तो सब वो रहेगा। बाकी जुगाड़ बैठ जाता है बिठाने वाले, समझ जाना। और रिस्ट्रिक्शंस एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सारा दिन घूमो फिरो। लड़का लड़कियों के कई लोगों के आ रहे थे लड़का लड़कियों के डाउट, भाई गर्ल्स बॉयज़ का क्या सीन है, टोका टाकी तो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है, जीरो रिस्ट्रिक्शंस है, जीरो। बस ये है रात को 9 बजे गर्ल्स का टाइम है हॉस्टल जाने का, और 10 बजे बॉयज़ का टाइम है, क्योंकि इस टाइम के बीच में अटेंडेंस होती है। इसके बाद वो मतलब फिर फ़ोन करेंगे तुम्हें, फिर तुम्हें आना पड़ेगा अटेंडेंस लगवाने, नहीं तो अटेंडेंस वैसे तो बॉयज़ की अभी तक हमारी यही होता है। वार्डन जो होते हैं सर, वो रात को रूम में आके सबके रूम में आके अटेंडेंस लेके जाते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन ऐसे कुछ नहीं, बस रात को सबको गर्ल्स का 9 बजे और बॉयज़ का 10 बजे। अब आते हैं रूम्स की बात। हॉस्टल में 4-सीटर 2-सीटर मोस्टली हमारे इसमें 4-सीटर अवेलेबल रहता है, ठीक है। 3-सीटर 2-सीटर जितना या सिंगल सीटर जितना सुना मैंने, जितना सीनियर्स ने बताया कि भाई या तो मेरिट बेस्ड होता है कि भाई तुम्हारे कुछ नंबर अच्छे हैं, हाँ तुम्हें नहीं रहना 4-सीटर 3-सीटर में, तो तुम्हारे उस पे बेसिस पे मिल जाएगा प्लस अगर तुम सीनियर्स हो। फ्रेशर्स को कोई कुछ नहीं मिलेगा, फ्रेशर्स को 4-सीटर ही मिलता है, ठीक है। और कोई सोचे फ्रेशर की भाई सीधा थर्ड फोर्थ या फिफ्थ सिक्स्थ फ्लोर चाहिए हॉस्टल रूम में, नहीं। स्टार्टिंग में जो भी फ्रेशर होगा फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर मिलेगा, इफ़ नॉट अवेलेबल देन आपको किसी ऊपर सीनियर के साथ एडजस्ट करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं है तुम्हें चॉइस नहीं मिलेगी। और 4-सीटर ही मोस्टली मिलेगा, और बेस्ट रहता है 4-सीटर। हम भी रह रहे हैं मोस्टली 4-सीटर ही रहता है, हमारे पूरे हॉस्टल में 4-सीटर ही हैं, तो बेस्ट है 4-सीटर, कोई बकचोदी नहीं लगती मेरे को। और AC वेसी की रही बात, AC हमारे हॉस्टल में तो 3 कमरों में है एट प्रेजेंट, पर AC की फ़ीस ज़्यादा होती है। कूलर है, और हॉस्टल्स में होंगे AC, हमें तो नहीं है, चल जाता है काम, बहुत लोग है, दुनिया चला रही है काम, तो AC की ज़रूरत नहीं लगती उतनी। और क्या कहते हैं,
अब बात आती है मेस के खाने की। मेस का खाना देखो सस्ता बहुत है, 60-70 या 80 रुपये में तुम्हें 4 टाइम का खाना मिलता है। तो उस हिसाब से तुम अपना हिसाब लगा लेना, 60-70-80 रुपये के हिसाब से बल्क में खाना बनता है, कैसा बनता होगा। कई चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं, कई भी ठीक भी होती हैं, काम चलाऊ होता है तो मैनेज करना होता है, हो जाता है मैनेज वो। और यहाँ बाकी फूड कोर्ट है, स्क्वेयर वन है, वो तुम्हारा पता लग जाएगा जब तुम आओगे। और सब बता दिया मैंने, ऑनलाइन चलता है, फीस वीस भी A to Z सारा ऑनलाइन चलता है। अटेंडेंस का अब आते हैं एकेडमिक्स में, अटेंडेंस का, एकेडमिक में अटेंडेंस की 70% 75% बोलते हैं, उससे नीचे डिटेन कर देते हैं। तो 70% भी हो तो भी रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करके अटेंडेंस बढ़वा लिया, इधर उधर जुगाड़ लगा के हो जाती है। बट 70% मिनिमम ट्राई करो कि अटेंडेंस रखो, नहीं तो तुम्हें डिटेन कर देंगे और फिर तुम्हें पेपर नहीं देने देंगे और री आ जाएगी। फिर री देने के लिए तुम्हें 1,000 रुपये फाइन भरना पड़ेगा और फिर री होगी। और जैसे इवन सेमेस्टर की री इवन में होती है, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में किसी की आई है तो वो थर्ड ओड ओड है जैसे फर्स्ट, तो उसकी री होगी थर्ड सेमेस्टर में। जिसकी थर्ड सेमेस्टर में री आई है उसकी री होगी फिर पेपर फिफ्थ सेमेस्टर में। और अटेंडेंस का सीन बता दिया। क्लासेस शुरू कब से होंगी भाई, मैं BBA का हूँ, मेरे को उतना आइडिया नहीं किसकी क्लासेस कब से शुरू हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं आइडिया देता हूँ, जितना मेरे कमेंट सेक्शन में फ्रेशर्स ने बताया, 1 सितंबर के बाद BBA वालों की हो रही है, CSE वालों की भी आइडिया नहीं, बट मेरे हिसाब से मिड अगस्त के बाद तुम्हें बुलाना शुरू कर देंगे। और कैसे आना है कैसे नहीं आना, अब आते हैं बात तुम्हें कैसे पता लगेगा भाई। जिन जिन्होंने एडमिशन लिया है, जिनका एडमिशन हो चुका है, अब तुम्हें ना ऑफिशियल मेल मिलेगी चितकारा की, तुम्हारा नाम रोल नंबर ऐसे करके @chitkara.edu.in करके मेल होती है। वो तुम्हें कैसे मिलेगी, या तो तुम्हारे मेंटर, तुम्हें एडमिशन होने के बाद क्लासेस जब सेक्शन डिवाइड हो जाएंगे, मेंटर जो क्लास टीचर होगा वो तुम्हें व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कन्वे कर देगा, या तुम्हें मेल आएगी। बट मोस्ट प्रोबेबली मेल ही आती है, हमें भी मेल आई थी, उसमें पासवर्ड एंड ऑल होता है कि भाई तुम्हारी मेल ये है, तुम्हारा पासवर्ड ये है। तो उसको तुम मेल्स अपनी रेगुलर चेक करते रहना, बहुत लोग होते हैं मेल्स चेक नहीं करते, क्लासेस शुरू हो जाती है पता नहीं होता। हमारे टाइम भी हुआ था, बहुत लोगों को ये तक नहीं पता क्लासेस शुरू हो गई है, क्या क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तुम्हारी चौक पैड की ID एंड पासवर्ड, और तुम्हारी ऑफिशियल ID एंड पासवर्ड चितकारा की, जिसमें सारी मेल्स आया करेंगी तुम्हें, जिससे तुम्हें चितकारा में मेल करना है वो तुम्हें पता लग जाएगा, वो अपनी तुम्हारे मेल में आएगी। चेक करते रहना, कहीं कहो कि भाई हमें नहीं पता लगा, हमें मेल नहीं आई, आती है सबको आती है ऐसी किसी, वो बहुत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट पॉइंट अब आते हैं प्लेसमेंट्स, ठीक है। प्लेसमेंट्स देखो, फॉर एग्जांपल अगर BBA का लेना है तो ठीक है, एवरेज पैकेज भी चल जाता है, जितना सुन बोला हुआ है कि भाई 100% प्लेसमेंट होती है, पर पैकेज फिर बल्क में जाते हैं बच्चे, तो ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं है, पढ़ाई भी अच्छी है, हम भी ठीक है, कोई ऐसा है नहीं। और क्लासेस का रहता है मोस्टली 10 से 12 रहती हैं, फिर 12 से एक ब्रेक रहता है, फिर 1 से 4 रहती हैं, 3-3 घंटे में क्लासेस डिवाइड रहती हैं। और रही बात अब CSE की प्लेसमेंट, जितना सुना है मैंने, मैं BBA का हूँ, अपने अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, जितना दोस्तों से सुना है कि CSE की प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, तभी CSE का यहाँ पे क्राउड बहुत है, क्योंकि CSE का काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट आ जाता है। पैकेज भी अगर तुम मेहनत करोगे, पढ़ाई वढ़ाई जो करने वाले हैं, जो अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, तो तुम्हारे पैकेज भी ठीक अच्छा मिल जाता है। तो तुम्हारे ऊपर ही होता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एट द एंड तुम्हें देखना है। कई होते हैं अपना हॉलीडे पैकेज बनाने आते हैं, कई अपना ऐश मारने आते हैं, कई पढ़ने भी आते हैं, सारे टाइप के बच्चे होते हैं। प्लस एक पॉइंट और, कि जैसे किसी को बाहर बाहर जाना हो, पीजी या फ्लैट लेना हो, यहाँ से 7-8 किलोमीटर पे बन्नूर है, वहाँ एक सोसाइटी है, वहाँ मोस्टली लोग फ्लैट भी ले लेते हैं, फ्लैट वहाँ ले सकते हो। और अगर PG लेना है तो राजपुरा साइड PG भी मिल जाएंगे, यहाँ से 9-10 किलोमीटर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ऑटोज भर भर के चलती हैं मोस्टली, यहाँ की जनता प्राइवेट व्हीकल बहुत रेयर यूज़ करते हैं, सारे ऑटो यूज़ करते हैं। यहाँ से बन्नूर है जहाँ फ्लैट्स हैं, वहाँ 20 रुपये लगते हैं जाने के, 10-15 मिनट ऑटो से। और इधर राजपुरा भी 20 रुपये लगते हैं, 10-15 मिनट जाने के ऑटो से। और अगर तुम्हें घूमने जाना है, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ जाना है, कोई बाहर से आ रहा है कि चंडीगढ़ घूमने जाना है ये वो, तो अपना यहाँ से जीरकपुर है, जीरकपुर की ऑटो लो, 50 रुपये में जाती है जीरकपुर की ऑटो, आधा पौना घंटा लगता है, ठीक है। वहाँ से अपनी कैब कर लो, बस मिल जाएगी जो भी चंडीगढ़ वगैरह के लिए, वो सॉर्टेड रहेगा। और अगर किसी को, जैसे मैंने जो सामान बताया, घर से लाने में दिक्कत है, कोई दूर से आ रहा है, तो अपना आ जाओ हॉस्टल में आके एडजस्ट कर लो, अपना गेट पास वगैरह लेके यहाँ राजपुरा चले जाओ, राजपुरा से शॉपिंग करके अपना यहाँ पे आ जाओ। तो और ये है एक क्वेश्चन लोगों का, ये भी था जिम जिम से रिलेटेड। भाई जिम में भीड़ बहुत होती है, मैं सजेस्ट करूँगा तुम बाहर जिम चले जाओ,
ठीक है, अपना गेट पास रोज शाम को कराओ और बाहर झांसला बन्नू चले जाओ जिम। यहाँ वाले जिम में तो भीड़ बहुत रहती है, सस्ता है पर पैर रखने की जगह नहीं है, स्लॉट्स मिलेंगे। अब मोस्टली सारे स्लॉट्स फुल है, जो स्लॉट्स खाली हैं वो 8-9 बजे है, बट क्या पता फ्रेशर्स आए तो स्लॉट्स बना दें। और बट बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है, एक एक एक्सरसाइज मशीन पे 10-10 बंदे खड़े होते। जिम बहुत अच्छा है बेशक, सस्ता भी है। फॉर एग्जांपल 3 महीने के 4,500 रुपये हैं, 6 महीने के 7,000 रुपये हैं एंड 12 महीने के 9,000 रुपये हैं। तो एट प्रेजेंट 6 महीने का और 3 महीने वाला स्लॉट ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 12 महीने का चल रहा है कि एक बार में 12 महीने की फ़ीस देनी है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा बाहर जिम ज्वाइन कर लो। और अब रही बात, कई क्वेश्चंस तुम्हें लगे कि आंसर नहीं दिए, मेन क्वेश्चंस थे ये, मैंने बता दिए क्या चाहिए क्या नहीं है। और इसके बाद भी तुम्हें लगे तो इस कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ लेना, बता दूंगा। और रही बात, मैं ये वीडियो क्यों नहीं बनाना चाह रहा था, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि अब ये वीडियो बना दी, इस वीडियो पे क्या पता मेरे व्यूज़ चले जाएँ, ठीक है हाई चले जाएँ, बट मेरे जो बाकी व्लॉग्स हैं उसके व्यूज़ गिर जाएंगे अब, क्योंकि भाई सारे आंसर्स मैंने ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में दे दिए, सॉरी इस वीडियो में दे दिए सारे क्वेश्चन के आंसर्स। तो अब मेरे उस पर जब सारे यही देख लेंगे तो व्लॉग्स पे आएगा नहीं, तो कोई अगर है व्लॉग वाला बंदा तो आ जाना, अपना प्यार दिखा देना, व्यूज़ गिर गए हैं तो मतलब देख लेना और बढ़िया बता देना कौन कौन ये वीडियो देख के व्लॉग्स भी देखने आया मेरे, है ना। और कोई और भी क्वेरी हो पूछ लेना, इंस्टाग्राम दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे पूछ लेना, बहुत लोग पूछते हैं। ये है कि भाई कई बार टाइम लग जाता है, मैं अभी बिजी नहीं होता, यहाँ अपना फ़ोन चलाने का टाइम नहीं होता, रिप्लाई दे दूंगा बट एक दिन के अंदर रिप्लाई दे दूंगा, बहुत आ जाते हैं। तो कोई सोचे कि भाई हमें नहीं रिप्लाई दिया, सबको मिल जाएगा रिप्लाई, ऐसा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है।